पर्सनैलिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, इससे ही हमारा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वर्ड्स डिस्क्राइब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला वर्ड आ जाता है हमारा लेजी। लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है? लेजी मतलब होता है आलस, ठीक है, जो हमेशा आलस दिखाता हो, ठीक है। तो उसकी अगर पर्सनैलिटी को हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, ये ऐसे वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं कि ये वर्ड्स को पढ़ रहे हैं मीनिंग भी हमें मालूम हो रहा है, लेकिन हम ऐसे किसी की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करनी है। हमें पता है कि कोई बच्चा बहुत, मतलब कोई इंसान बहुत पॉजिटिव सोचता है, मतलब अच्छा सोचता है, तो लेकिन हमें वर्ड नहीं पता क्या है। तो ये अगर हम वीडियो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? वर्ड्स मालूम चल जाएंगे, फाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्ट करते हैं हम। ही फर्स्ट, लेजी, लेजी मतलब होता है आलस, आलस हो करता है हमेशा। तो ही इज़ अ वेरी लेजी पर्सन। सेकेंड वर्ड आ जाता है हमारा मूवी। मूडी, मूडी बनाया मूड से, मूड मतलब ऐसे कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिसका मूड हमेशा चेंज होता रहता है। चेंजेस मतलब हमारा कभी अच्छा होगा, थोड़ी देर में बुरा हो जाता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर बुरा हो जाता है, मतलब समझ ही नहीं आता उनका। फाइन, तो उस पर्सन की अगर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है तो हम क्या यूज करेंगे? मूडी। ही इज अ वेरी मूडी पर्सन। थर्ड आ जाता है हमारा जेनरस। जेनरस नहीं है मतलब क्या होता है? बड़े दिल वाला, ठीक है। ऐसे पर्सन जो कि क्या यूज कर सकते हैं हम? बड़े दिल वाले मतलब वो हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, हमेशा अच्छे से बात करना, उनका नेचर हमेशा पॉजिटिव, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, फाइन, जो बड़े दिल वाला। नोट कर लेना, बड़े दिल वाला मतलब जेनरस। इसका मीनिंग मीनिंग अगर देखा जाए तो मीनिंग होती है बड़े दिल वाला। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा विजनरी। विजनरी बना है हमारा विजन से। विजन मतलब होता है देखना, दृष्टि, ठीक है। विजन मतलब हिंदी में बोलते हैं दृष्टि, जो हमेशा फ्यूचर की समझ रख कर चले। उस पर्सन की अगर हम पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है तो वी विल यूज द वर्ड विजनरी। ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन, मतलब जो फ्यूचर को समझ कर चलने वाला, फाइन, फ्यूचर को समझ कर चलने वाला है। विजनरी बना है विजन से, फाइन। दृष्टि, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? दृष्टि। फिफ्थ वर्ड आ जाता है हमारा विम्ब। विम्ब मतलब होता है, विम्ब का एक सिनोनिम भी होता है, विम्ब मतलब होता है उस पर्सन के लिए होता है जो कि बात बात पर डर जाता है। विम्ब, विम्ब या फिर इसका सिनोनिम हो जाएगा चिकन, फाइन। ऐसे पर्सन जो बात बात पर डर जाए, बात बात पर डर जाने वाला, फाइन। उसके लिए हम यूज करते हैं ही इज अ विम्ब और ही इज अ चिकन। तो हमने फाइव वर्ड्स देख लिए, लेजी, मूडी, जेनरस, विजिबल एंड विम्ब। लेजी मतलब होता है जो कि आलस दिखाता हो, आलस शो करता हो, तो उसकी पर्सनैलिटी की हम यूज करेंगे लेजी। मूडी मतलब जो हमेशा जिसका मूड चेंज होता रहता है, मूडी वर्ड बना है मूड से, कभी अच्छा कभी बुरा, फिर अच्छा फिर बुरा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मूडी। जेनरस, जेनरस का हिंदी मीनिंग होता है बड़े दिल वाला, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता हो, अच्छे से बात करता हो, फ्रेंडली नेचर हो, पॉजिटिव नेचर हो, मतलब जो मैंने वर्ड्स आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे उनका कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है जेनरस, फाइन। फिफ्थ वर्ड आ जाता है हमारा विजनरी। विजनरी का मतलब होता है विजन, विजन, विजनरी बना है विजन से, विजन का मतलब दृष्टि, जो कि हमेशा फ्यूचर को समझ के जो चलता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विम्ब और चिकन, जो कि बात बात पर डर जाने वाला पर्सन के लिए हम यूज करते हैं विम्ब। ही इज अ वेरी विम्ब पर्सन और ही इज अ वेरी चिकन, फाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने पांच पार्ट करी है, मोस्टली हमने
30 वर्ड्स हमें सीखने होंगे, 30 वर्ड जो कि पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करते हैं, प्लस उनका हिंदी में जो आप कहीं पर भी अलावा मतलब पर्सनैलिटी के अलावा भी आप उनको कहीं पर भी यूज़